everyone, good morning, welcome to a new vlog. So yesterday we went to Tanha Lord Temple and oh my god, it was so beautiful. हमने वहाँ पे सनसेट देखा, इट वॉज सो सरियल, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, हमने प्रॉपर एकदम से कहते हैं ना गोल्डन आर वो देखा, पानी एकदम ऐसे ऑरेंज हो गया था. आई थिंक मैंने अपने फोटोज़ में शायद देखा होगा, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना. तो कल का दिन तो एक बहुत बड़ा हिट निकला. और आज का प्लान अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं जब जब प्लान बता रही हूँ तो हमारा प्लान चेंज हो रहा है. अभी के लिए मैं इतना बता रही हूँ कि आज का प्लान है कि हम उबुद जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करी है. सो आज हम वहाँ जाएंगे एंड अभी मैं रेडी होने जाऊँगी, उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना है. ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है एंड इट्स टाइम टू गेट रेडी. टाडा, आई एम रेडी. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट द डे स्टार्टेड नाउ. I'm in Ubud and this is my first destination, which is the Bali Swing. They claim to be real Bali Swing and the place looks amazing. Like there's Bali Swing, this bird nest, there's so many swings. First of all, there's couple swing also, there's bed swing too. So swings to bahut sare hain yahan pe and yahan ka staff bhi bahut zyada organized hai. Like they have given us a number and they say this is your number and जब आपका turn आएगा तब आपको बुला लेंगे, तब आपकी सारी activities करवाएंगे. So they're super organized and I'm really loving it here. Basically जो भी हम सारे cool shots देखते हैं ना बाली के, जो swing पे है and bird nest पे है and bed nest पे है, so I think वो यहीं के हैं. So let's wait for our turn and we'll go then. Okay, this place is also has this clothes. Like, अगर आपको रेंट करना है कपड़े और आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस होके नहीं आए हो एंड आपको एक एस्थेटिक में फोटोज चाहिए, तो दीज आर प्रीटी नाइस क्लोथ्स. लाइक आई थिंक हर साइज में अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं. वेरी नाइस, लाइक आई रियली लाइक दिस थिंग. वाओ, दैट वाज सो एग्जॉस्टिंग. लाइक अभी हमने एक एक करके सारे स्विंग कर लिए, दो तीन स्विंग करे हैं और आई थिंक दो तीन नेस्ट करे हैं एंड इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है ना ये. ओ माय गॉड, एक के बाद पिक्चर क्लिक करवाना एंड पूरा दिन. अभी 2:30 बज गए, हम 12 बजे आए थे यहाँ पे एंड भूख इतनी तेज़ लग रही है अब तो. ठीक है, अब हम बस कुछ खाएंगे एंड उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे. लेट्स गो नाउ. Hi. So this is our next stop, Monkey Forest, Ubud. So this is one of the most popular touristy location in Bali. It's a sanctuary/forest. यहाँ पे आपको छोटे-छोटे monkeys आपको आसपास घूमते नजर आते रहेंगे. एक बोर्ड भी था यहाँ पे जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ था कि आप मंकी से आई कांटेक्ट मत करो, उनको कुछ खाने के लिए मत दो. तो ये सारी इंस्ट्रक्शन मतलब आप फॉलो करते रहोगे तो सब सही रहेगा. एंड यूजली यहाँ पे लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके मंकीज़ के साथ कुछ फ़ोटोज़ एंड सेल्फीज़ वगैरह भी खिंचवाते रहते हैं, बट आई वॉज़ अ लिटिल स्केयर्ड, तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा. ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप उबुद में हो तो इट्स वर्थ अ विज़िट. काफ़ी अच्छी डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलता है फॉरेस्ट का एंड आप मंकीज़ के आसपास वॉक करते रहते हो, तो काफ़ी फन रहता है ये. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू डे इन बाली. सो बाली इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स अमेजिंग वाटरफॉल्स एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे. विच वन, विच वाटरफॉल्स, दैट आई एम नॉट गोना टेल यू राइट नाउ.
It's almost 11:30 and we are about to start our day. So I'm all ready, as you can see. So yeah, let's go now. I'll see you on the way now. Okay, so we have reached and this is Tibumana waterfall. This is the first waterfall that we are doing for the day. It's not that popular waterfall, but yeah, let's go and see how it is. It's just, I think, 100 meters away from this place. So yeah, let's start walking. So there is a small track that we have to cover to reach the waterfall, and it's beautiful. Like, look at the waterfalls, the greenery. It's kind of a jungle feel. So yeah, let's go to the waterfall now. Is it worth it? 100%, 100%. Like, oh my god, look at this beautiful place. I've only seen something like this in the pictures, like never in real life. So it's 100% worth it. Like, this place is beautiful. It's worth it to every core of it. Like, it's so beautiful. And to be honest, I think it's the best part jiska laga wo ye tha yahan pe log bahut zyada nahi hai, kyunki usually koi extremely popular place pe bahut hi zyada crowd hota hai. Yahan pe log, I love this place so much. I think it's a big thumbs up from my side. If you're ever visiting Bali and you want a low crowd place, low crowd waterfall, so I think this is it. This is very beautiful. Morning, welcome to a new day in Bali. So last night was really fun. We went to Finn's Beach Club and वहाँ पे हमने इतना खाना खाया, इतना डांस किया, इतना पार्टी किया, तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा डे एंड रहा कल. एंड कल हम गए थे वाटरफॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. मतलब मेरे लिए इतना बड़ा वाटरफॉल फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था. ऑल्दो हम करना ज़्यादा चाहते थे, बट लेकिन कल टाइमिंग के हिसाब से इतना मैच किया नहीं, तो एक ही वाटरफॉल हो पाया जो कि बहुत ही सुंदर था. तो या दैट वॉज ग्रेट. एंड आज का प्लान ये है कि आज हम पूरा दिन बीच में बस रिलैक्स करने वाले हैं. तो अभी मैं अपने बीच अवतार में रेडी हूँ. सो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक, हम काफ़ी दिनों से होटल का ही खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बोर हो गए. तो आज हमने एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ जाएंगे. सो या लेट्स गो नाउ.
everyone, so today is our last day in Bali and yesterday we went to a beach club. It was Kudeta and it was so amazing. We just went to the beach club, humne bas pool enjoy kiya, sirf beach enjoy kiya aur matlab sirf humne relax kiya kar pura din pe. And agar aap Bali aaye ho to aisa ek day ya half a day, humne to full day rakha tha, aap half a day bhi rakh sakte ho तो ज़रूर रखना बिकॉज इट्स सो रिलैक्सिंग. आप बस सनसेट होते हुए देखो, पूरा दिन बस खाओ पियो और चिल करो, नथिंग एल्स. सो क्या आप ये सब चीज़ें सिर्फ बाली में कर सकते हो? तो या दैट वॉज दैट. अब बस हम अपना सामान पैक कर रहे हैं, हमें एक घंटे में चेकआउट करना है. हमारी फ्लाइट आई थिंक कुछ 4-5 बजे की है. सो या वी गोना डू दैट. एंड दैट वॉज बाली ट्रिप. इट वॉज सो अमेजिंग, मतलब इतनी जल्दी निकल गई. वैसे 1 वीक पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया हमें. So yeah, that was it. I really really hope you enjoyed the vlogs and if you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, comment down below and hit the bell icon. So yeah, I'm gonna see you in the next one. Till then, bye bye.